हाय, माय नेम इज आर्यन। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरे चश्मे का पावर -1 और -1 था लेटेस्ट में, तो उतना ज़्यादा तो नहीं था, बट तब भी चश्मा पहनना पड़ता था पढ़ते वक्त, टीवी देखते वक्त, फ़ोन चलाते वक्त। 2021 में ऐसे ही हरियाणा में घूमने आया था। एक्चुअली मेरे चाचू के घर यहाँ पे, तो मैं घूमने आया था बस। तो सभी आई चेकअप करवा रहे थे। मेरी एक्चुअली दीदी को चश्मा लगा हुआ है, तो वो आई चेकअप करवा रही थी, मैंने भी करवा लिया। तो डॉक्टर ने बताया मेरे को चश्मा लग गया है। तो उसके बाद ये रिग्रेट तो बहुत हुआ कि शायद फ़ोन वगैरह चलाने की वजह से लग गया है। और एक साल बाद पता चला कि मेरे जॉब में जो मुझे करना है उसमें चश्मे अलाउड नहीं है। आई मीन टू से 6x6 विजन चाहिए, और मेरा तो था नहीं। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान में रहने लगा, बट फिर धीरे धीरे जाके पता चला कि लेसिक सर्जरी अलाउड होता है उसमें। तो फिर उस टाइम कुछ पता नहीं था लेसिक सर्जरी क्या होता है एंड ऑल। तो ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब पर सर्च किया लेसिक सर्जरी क्या होता है ये सब, तो फिर वहाँ से फिर I7 के बारे में पता चला। और डॉक्टर गार्गी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी कैसे होता है, क्या होता है, और बेनिफिट्स और उसके नुकसान ये सब। तो फिर वहाँ से मुझे I7 के बारे में पता चला और मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। तो उन्होंने अच्छे से समझाया कि ऐसे वैसे होता है, आपको बस 3 दिन के लिए झारखंड से यहाँ आना होगा। सच में मेरे लिए यहाँ से वहाँ जाना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है ना मेरा झारखंड से यहाँ। I7 के अलावा और भी हॉस्पिटल्स थे जिसमें लेसिक होता था, बट स्पेशली सिल्क जो है I7 में होता था। एंड एम्स में बहुत ही ज़्यादा वेटिंग है, बहुत भाग दौड़ है। और यहाँ पे एज यू कैन सी 3 दिन में मेरा सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट डे चेकअप्स एंड ऑल हुआ और अगले दिन में ऑपरेशन हुआ। सही बताऊँ तो ऑपरेशन रूम में एंटर होने पर मैं कॉन्फिडेंट था कि कुछ नहीं होगा एंड ऑल, बट जैसे ही एंटर मैं हुआ तैसी थोड़ा नर्वसनेस आ गया। एंड फिर उसके बाद मशीन पे उन्होंने लिटाया, उन्होंने अच्छे से बोला कि कुछ नहीं होगा आगे, आराम से बस फोकस करना है। और हाँ, एक बात, ये डॉक्टर गाहिर जहाँ देखने बोलते हैं वहाँ देखना, आई मीन कि ग्रीन लाइट और रेड लाइट जलते रहते हैं, तो वहीं पे देखते रहना है। तो बस वही, और बस उसके बाद फिर ऑपरेशन जैसे ही ख़त्म हुआ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से, बट उन्होंने डॉक्टर ने समझाया कि कुछ टाइम बाद 3-4 घंटे बाद दिखने लगेगा। तो फिर उस चश्मा वगैरह उन्होंने दिया और फिर सच में 3-4 घंटे बाद दिखने लगा। आर्यन कम बैठो, कैसे ठीक हो? यस सर। चश्मा हटा दो, ठीक है। आपको एडिट करना है, ठीक है, पढ़ो। PSHRBCFZTEDUKRBPZTESHOCFPKVURDE। परफेक्ट। लास्ट लाइन जो एडिट कर रहे हो ना 6x6 है। हाय आर्यन, बैठो बच्चे। वेरी नाइस, कल हमने कराया ना? यस। वेरी गुड। और आज ही अपना 6x6 आ गया है। अभी बच्चे थोड़ा सा और इंप्रूव होके सुपरविजन भी पहुंच जाएगा। विल जस्ट चेक यू। आनंद बताओ कैसा होता है सिल्क प्रोसीजर थोड़ा सा बाकी लोगों के लिए? कोई दर्द होता है, अनकंफर्टेबल लगता है? नहीं सर, एकदम नहीं। बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर था। हल्का सा ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा हुआ था, बट वो फिर कुछ टाइम बाद चला गया था। अच्छा, ऑपरेशन के टाइम जब वो मशीन हम आंख पे लगाते हैं तो प्रेशर हल्का सा लगता है? बहुत हल्का सा प्रेशर आता है, इतना ही है ना, इसके ऊपर नहीं है कुछ। वेरी गुड, ठीक है बच्चे, सब बढ़िया है। अब हम कब मिल सकते हैं दोबारा? सर अभी तो 21 तक मैं यहीं पे हूँ। 21 को जाने से पहले दिखा देना, ठीक है सर? ठीक है, फिर उसके बाद आने की जरूरत नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो दिखा देना, ठीक है? चल, वेरी गुड। डॉक्टर गार्गी ने खुद मुझे रिकमेंड किया कि सिल्क सर्जरी के लिए, क्योंकि मेरे जॉब फिजिकल डिमांडिंग है। कॉन्टुरा विजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकता था, तो आई चोज सिल्क ओवर कॉन्टुरा एंड स्माइल। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे ये देख लिया था, डॉक्टर गार्गी ने वीडियो डाला था कि डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बेनिफिट्स। तो मुझे पहले से मन में ऐसा था कि सिल्क सर्जरी करवाना है, बट तभी भी ये मैंने बोल दिया कि जो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे वही, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा जानते हैं। मैं यूट्यूब से कितना ही जान पाऊंगा। तो उन्होंने भी बोला कि सिल्क आप पे सूट करेगा, तो इसी वजह से सिल्क चूज किया मैंने। सबसे पहले तो ऑपरेशंस वगैरह हुआ, मैं घर गया, लगभग रात हो गया था घर जाते जाते। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपने पुराना चश्मा लगा के चेक किया कि क्या होता है इससे, तो उसे साफ दिखने की जगह धुंधला दिख रहा था और चश्मा हटा के साफ दिख रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, एक्सपीरियंस करके। आई वांट टू से स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर गाहिर चौधरी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से गाइड किया, समझाया और बताया कि पेन नहीं होता है इसमें। एंड ऑल द स्टाफ मेम्बर्स, वो यहाँ पे प्रोसेस बहुत ही जल्दी हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि लाइन में रखना पड़ा ज़्यादा टाइम, बहुत ही आराम से सब हो गया था। और अब है कि चश्मा नहीं पहनना होता है रीडिंग करते वक्त, तो एकदम नहीं।